हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ और प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग ले आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की इस समय क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या वो जैसा आप फील करते हो क्या वो भी वैसा ही फील करते हैं, क्या सोचते हैं वो, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कैंडल वैक्स से कि क्या एनर्जीज है, फिर देखेंगे टैरोट कार्ड के थ्रू। ओके, तो पहला भी मैं टैरोट कार्ड हटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, आपको फोकस करना है अपने क्रश पर, फोकस कीजिए और उनका फेस विजुलाइज कीजिए। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं उनकी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश की क्या एनर्जीज हैं। मुझे आपके क्रश यहाँ पर काफी प्रैक्टिकल माइंडेड लगते हैं, मतलब समझदार हैं, काफी मैच्योर, कोई भी डिसीजन इम्पल्सिवनेस में नहीं लेते हैं, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, इनका पास्ट में कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन इनने फेस की है, जिस वजह से इनको ना लव में, लव से, प्यार से विश्वास ही उड़ गया है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए फील नहीं करते, आपके लिए काफी फील करते हैं ये। जब भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको नोटिस करते हैं, जब भी आप का ध्यान नहीं होता है तब ये आपको नोटिस करते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू नोटिस करते हैं, आपका स्टेटस स्टोरी या पिक्स वगैरह देखना अगर ये आपके उसमें ऐड है, या किसी और के थ्रू देखना, किसी और की आईडी से देखना, ये ऐसा करते हैं। पर वहां पर कोई आपको रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे स्टोरी देखी तो कोई रिएक्शन नहीं देना, कहीं भी रिएक्शन नहीं देते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूं। पर इनके दिल में भी आपके लिए काफी फीलिंग्स हैं, मतलब सोचते तो हैं ये आपके बारे में, पर कहीं ना कहीं प्यार से इनका भरोसा उठ गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहां पर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है जिस वजह से इनका भरोसा उठ गया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है हर कोई ऐसा ही होता है, हर कोई दिल तोड़ता है, वो एनर्जी इसमें है, ये ऐसा कुछ सोचते हैं। अभी ये मुझे अपने पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर में अपने से सेल्फ लव करते हुए, अपने को हील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका हार्ट ब्रेक हुआ है जिस वजह से ये अभी अपने को हील कर रहे हैं, और अभी ये इन चीजों में तो नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप इनको प्रपोजल देते हो इस समय तो ये आपको मना भी कर दें, क्योंकि ये अभी आना ही नहीं चल जाते हैं इस कनेक्शन, किसी भी कनेक्शन में मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, कोई वो एनर्जीज में है, पर फिर भी इतना होने के बाद भी पता नहीं इनका दिल आपके लिए, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों धड़कता है इनका दिल, कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील करते हैं, और कुछ ना कुछ आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे से, मैं वो एनर्जीज दिख रही हूँ। मुझे यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जीज फील हो रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जिस वजह से ये इतना फील करते हैं आपके लिए, मतलब बैक ऑफ द माइंड ये बहुत चलते हो आप इनके, सोचते जरूर हैं, आपको नोटिस भी करते हैं, पर अभी इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनको लाइक करते हो, इनको पसंद करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मुझे जो आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप इनको भूल कर भी नहीं भूल पा रहे हो, आप चाहते तो हो कि आप भी इनके लिए ऐसा फील ना करो, पर आपसे हो ही नहीं रहा है, आप भूल कर भी इनको नहीं भूल पाते हो, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपकी भी। जितना आप इमोशनल हो ना उतना ही
ये प्रैक्टिकल है, ये पहले इमोशनल काफी होते थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, पर जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हुए, जो इनके साथ चीटिंग हुई, ब्रेकअप की सिचुएशन इनने देखी है या बिट्रेल देखा अपनी लाइफ में, जिस वजह से ये काफी काफी बदल चुके हैं, ऐसा कुछ दिखता है। तो चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर इतनी एनर्जीज दिख रही कैंडल वैक्स से। चलिए कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। ओके, आपको पॉजिटिव रहकर देखनी है ये रीडिंग। ओके, थोड़े आपके कार्ड्स निकालूंगी, थोड़े इनके कार्ड्स निकालूंगी। पहले आपके कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं अपने क्रश को लेकर, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं अपने क्रश को लेकर। द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। अब आपके क्रश की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज है यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, टेन ऑफ वॉन्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप तो बहुत ज्यादा सडक्टिव फील करते हो अपने क्रश के लिए, पैशनेट फील करते हो, आपको काफी खूबसूरत लगती हैं ये या लगते हैं आप ना। अच्छा अच्छा ड्रेसअप हो गए, इनके पास जाना या इनके सामने जाना आपको पसंद है, कुछ ऐसी एनर्जीज है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो, आपको ऐसा लगता है बस ये मुझे ही देखता रहे या देखती रहे, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आप जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें ओवरकम करना चाहते हो इनके साथ, जो भी आप ऐसा चाहते हो कि ये आपकी तरफ बढ़े, आपको प्रपोजल दें, और आप इनको दूरी दूर से आप भी देखते हो, बस देखते ही हो आप भी, वो एनर्जीज देख रही हूं मैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका भी दिल टूटा है, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है और लव ट्राइंगल फेस किया है आपने। हो सकता है कि अपने क्रश के साथ या कहीं तो आपका आपका भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं जो जहां पर आपका भी दिल टूटा है, बट आप फिर भी इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो और इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, स्टिल फ्लर्ट करना चाहते हो, इनके साथ घूमना चाहते हो, एक कनेक्शन में आना चाहते हो, क्योंकि आप इनको अपने को रोक नहीं पा रहे हो, इनको इनके बारे में सोचने से, इनके साथ रहने से अपने को रोक नहीं पा रहे हो आप कहीं ना कहीं, इसलिए आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो। आप ना बहुत ज्यादा ओपन हार्ट से इनका वेलकम करना चाहते हो, मैं वो चीजें देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं, ये इनकी लाइफ में अभी खालीपन है, एम्प्टीनेस है, अकेलापन ये फील करते हैं और चुपचाप से आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं। आपको भी ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं अकेलापन है, आपको लगता है ये मेरी लाइफ का अकेलापन दूर कर सकता है या कर सकती है, और इनको भी ऐसा ही फील होता है, पर ये फिर भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने करियर में, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस्ड हैं अभी, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। पर इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ये इस टाइप के इंसान है ना, ये टाइम पास करने वालों में से नहीं है। इनको है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊं, कनेक्शन में आऊं, तो मैं उससे शादी करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास किया और चले गए, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी से भी ना अटैच हो जाते हैं और डी अटैच होने में इनको बहुत टाइम लगता है। ये इस टाइप के इंसान है, बहुत जल्दी अटैचमेंट इनको फील होती है, तो इसलिए ये कनेक्शन में नहीं आना चाहते, क्योंकि एक बार इनका दिल टूट चुका है, इन्होंने बिट्रेल फील किया है, तो ये नहीं, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर प्रपोजल देता हूँ, कमिटमेंट देता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाऊंगा और मुझे या हो जाऊंगी, पर मुझे नहीं होना है, कुछ ऐसी इनकी एनर्जीज है। पर हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ग्रो तो होना चाहते हैं, एक मन के कोने से या बोलते हैं ना, एक अंदर से इनको ऐसा फील होता है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग कर रही है, वो स्ट्रांगली ये फील करते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का, मैं वो चीजें देख रही हूँ, शुरुआत करने का अपने हिसाब से। पर कहीं ना कहीं अभी ये सैड हैं बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये ओवरकम, कैंडल वैक्स में बताया था, ओवरकम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, बर्डन फील किया है इनने बहुत ज्यादा,
अपने अपनी लव लाइफ में, या स्टिल हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी बर्डन फील कर रहे हैं किसी के साथ, ऐसे कनेक्शन में है ये या रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी मैरिड है या कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, मैं वो चीजें देख रही हूँ। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड, मुझे दिख रहा है सक्सेसफुल चाहते हैं, लेकिन आपको ना बहुत दूर से ये स्टॉक करते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, ऐसा तो है फॉर श्योर, बट फिलहाल अपनी फीलिंग्स को ये कहीं ना कहीं साइड में रखे हुए हैं। देखते हैं आप दोनों क्या चाहते हैं एक दूसरे से, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आप दोनों क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश क्या चाहते हैं एक दूसरे से। ओके द सन, हाई प्रेस्टिज, द स्टार, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो और देखते हो कि यार आपको भी ऐसे ही फील होता है कि कितना दूर है, मैं कैसे बोलूं, कितना दूर है मुझसे, मैं नहीं कह पाऊंगी या नहीं कह पाऊंगा या काश ये कह देता, तो वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी भी दिख रही है, ये भी बहुत दूर से आपको स्टॉक करते हैं और फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर है द हाई प्रेस्टिज का, एक डीप लेवल पर जब भी इनकी आंखें बंद होती है, एक बैक ऑफ द माइंड पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि यही मेरे दिमाग में घूमती रहती है या चलता रहता है, बस मैं इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ या रोक नहीं पाती हूँ, वैसे ही आपके दिमाग में भी चलता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों भी मैं क्यों सोचती हूँ और क्यों मैं अपने दिमाग में इनको चलने से रोक नहीं पा रही हूँ या कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। दोनों ही स्ट्रांगली एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो आप। और यहाँ पर है द सन का कार्ड, न्यू बिगनिंग चाहते हैं दोनों, फीलिंग्स म्यूचुअल है एक दूसरे के लिए, सेम है, बस इतना है आपको कनेक्शन में आना है बहुत जल्दी और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कनेक्शन में नहीं आना है, आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि हाँ आगे कुछ तो बात बढ़े, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप क्वीन की तरह हो, आप कितने मस्त मौला रहते हो, खुश रहते हो अपने से, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो मुझे दिखता है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बेसिकली ये आपके साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको ऐसा क्वीन या किंग ये देखते हैं जो डीप लेवल पे बहुत सोचती है या सोचता है, ऐसा कुछ ये फील करते हैं, बेसिकली क्यूरियोसिटी रहती है इनके अंदर आपको जानने की, मैं वो चीजें भी देख रही हूँ। ओके तो यस, इनके अंदर भी सेम फीलिंग्स है गाइस, बस ये अप्रोच इतना नहीं कर रहे हैं, और अभी अगर आप करते हो ना इनको अप्रोच तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे अभी, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि इनका दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, या समवेयर ये अपने काम में कहीं ना कहीं फोकस्ड कर रहे हैं, मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ। तो चलिए हम एंजल्स कार्ड से देखते हैं, यूनिवर्स एंजल्स के, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखो आपको इनकी और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ये कैसे हैं, क्या है, अगर आप नहीं जानते हो, ओके आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देयर इज समथिंग बेटर, हो सकता है कुछ बेटर हो जाए आप दोनों के बीच में, चांसेस फुली मुझे दिखते हैं कुछ अच्छा होने के, ट्रस्ट, थोड़ा ट्रस्ट रखना है दोनों को ही अपने एक दूसरे के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। अभी नो आग का कार्ड है, अभी टाइम नहीं आया है इनका प्रपोजल देने का या आपका इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जाने का, ओके यस, पर जल्दी टाइम आएगा, ओके मैं वो एनर्जीज फील कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर है टेक एक्शन, तो अभी रुक जाओ, थोड़ा जान लो, इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद आपको एक्शन लेना है, अभी अभी ये अभी टाइम आया नहीं है आप दोनों का कनेक्शन में आने का, ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आई क्रश की, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।